आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो खीर बनाने के लिए हमने चावल लिया है, और ये चावल टुकड़े में चावल लिया है, साबुत चावल नहीं लिया है, टुकड़ा चावल लिया है। ऐसे हम आधे घंटे तक पानी में भिगो के रख लिया है, तो ये अच्छे से फूल गया है। और उसके साथ साथ हमने काजू भी लिया है, और काजू को भी साथ में फूलने के लिए डाल दिया था, तो ये भी लगभग आधा घंटा ही फूल रहा है पानी में। तो ये दो ये, और एक हमने ब्रेड लिया है, इसकी हम किनारी काट लेंगे छुरी से। इसकी किनारी काट लिया है, ऐसे हम मशीन में बारीक कर लेंगे। हम खोया नहीं डाल रहे हैं, तो खोया के जगह पे ये ब्रेड बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत टेस्ट आएगा इससे ब्रेड से। तो काजू को भी बारीक कर लेंगे। तो हम पानी समेत ले रहे हैं काजू, क्योंकि काजू का पानी साफ है। इसमें एक चम्मच के करीब चावल भी डालेंगे हम, और ये दोनों चीज को बारीक कर लेंगे। हमने 1.5 किलो अमूल दूध लिया है, हमने उबाल कर रात भर इसे फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए कितनी मोटी मलाई जम गई है, तो इसको काट लेते हैं हम छुरी से। देखिए कितनी मोटी है, ऐसी लग रही है एकदम बिल्कुल एक रोटी के बराबर बन गई है मलाई। तो मलाई हमने कटोरी में निकाल लिया है, ये हम इस्तेमाल करेंगे जब मेरा खीर तैयार हो जाएगा, जब इस्तेमाल करेंगे मलाई का। तो हम ये बड़े भगोने में पलट रहे हैं, छोटा भगोना इसमें नहीं बन पाएगा सही से, तो सारे दूध इसमें पलट देंगे। दूध को हमने गर्म कर लिया है, अब इसमें हम आधी कटोरी नारियल का पाउडर डालेंगे, कोकोनट, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे डालकर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खीर में। काजू और चावल बारीक कर लिया, इसे भी हम डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिलाएंगे। अब चावल भी साफ कर डाल देंगे इसमें, और इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें अब डालेंगे मलाई दूध की, दूध की मलाई डालने से क्या होगा, राबड़ी खीर होती है ना वैसी लगेगी खाने में, राबड़ी खीर की तरह मुंह में जाके घुलेगी ये खीर। काजू लिया है, चिरौंजी लिया है, किशमिश लिया है, बादाम लिया है, इसे भी अब इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ अब 150 ग्राम चीनी लिया है, ये भी डाल देंगे। आप कितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से ही डालिएगा। 1.5 किलो दूध था, तो हमने 150 ग्राम चीनी लिया है। ये जो ब्रेड बारीक कर लिया था, इसे भी डाल देंगे, ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा खीर खाने में। खोया नहीं डाला, उसके जगह पे डाल रहे हैं हम ये। इसे बनाने में कम से कम आधा घंटा टाइम लग गया है। चीनी डाला है, तो फिर से चीनी बहुत पानी छोड़ दिया है, इसे सुखाने में कम से कम 10 मिनट और लगेगा। थोड़ा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगा खीर में। एक चम्मच केवड़ा डाल रहे हैं, केवड़ा डालने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी खीर में। थोड़ा सा चेरी डाल रहे हैं, चेरी डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा खीर में। तो इसे पकते हुए 40 मिनट हो गया है, तो इसे अब पक गया है बिल्कुल अच्छे से, हो गया एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो इस अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। खीर बनकर तैयार है। तो आप भी ऐसे बनाइए, बिल्कुल इजी तरीका है खीर बनाने का, और बहुत आसान तरीके से ही खीर बन जाता है, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप बनाकर खाइएगा तो हर बार बनाकर खाने का मन करेगा ये खीर। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।